जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? सावन का तीसरा सोमवार देखते ही देखते आ गया, मन शिवमय हुआ जा रहा है। चारों ओर हर हर महादेव के जयकारों की गूंज है और सावन का तीसरा सोमवार इस बार 1 अगस्त बहुत ही खास संयोगों में आया है। साथ ही साथ गणेश चतुर्थी का दिन है, तो इस बार सिर्फ भोलेनाथ की ऐसे भी पूजा नहीं करनी चाहिए। सर्वप्रथम पूजनीय होते हैं गणपति, लेकिन आज के दिन विशेष रूप से आपको गणपति देव की पूजन अवश्य करनी है। कहा जाता है सावन माह में ही माता पार्वती ने कठोर तप करके भोलेनाथ को प्राप्त किया था, और जो भी स्त्रियां, इसीलिए अविवाहित लड़कियां, युवतियां सावन सोमवार का व्रत रखती है, उन्हें भी बहुत ही सुंदर वर की प्राप्ति होती है, हर मनोकामना पूर्ण होती है। जो विवाहित महिलाएं इस व्रत को रखती है, उनका पूरा परिवार की रक्षा होती है, घर परिवार उनका धन धान्य से समृद्ध होता है। जो पुरुष इस व्रत को रखते हैं वो शिवमय होते हैं और साथ ही साथ भोलेनाथ के साथ अटैच होकर के जीवन की हर दुविधा को, हर मुश्किल को, हर बाधा को बड़ी आसानी से पार कर लेते हैं। दोस्तों, बहुत ही अद्भुत संयोग में विनायक चतुर्थी और सोमवार का दिन आया है। शिव योग है, रवि योग का संयोग है, और सुबह जल्दी उठ करके अपने हथेलियों के दर्शन करें, धरती माँ को प्रणाम करें, इसके बाद अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के स्नान कीजिए। तीर्थों में स्नान कर सकते हैं या फिर घर में ही शुद्ध जल से स्नान कीजिए। इसके बाद स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए और फिर सूर्य देव को एक लोटा जल अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। बोलते हुए सूर्यदेव को एक लोटा जल अर्पित कीजिए। उसी जल के लोटे में आपको ध्यान रखना है, आज के दिन थोड़ी सी खड़ी मूंग डालनी है और सूर्य देव को जल अर्पित करते समय ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, इस प्रकार से बोलते हुए जल अर्पित करना है। इसके बाद उसी लोटे में जल भर लीजिए, दक्षिणमुखी हो जाइए, थोड़े से काले तिल डाल लीजिए और पितृ के निमित्त जल अर्पित करें। ध्यान रखें, जो कुंवारी लड़कियां होती है वो पितृ के जल अर्पित नहीं करती है, और इस प्रकार से जल अर्पित करना है आपको दक्षिणमुखी होकर के। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः। इसके बाद गणेश जी के सामने जाना है, गणपति पूजन करना है। गणेश जी जिस भी रूप में हो आपके पास, आपके पास कोई मूर्ति हो, कोई फोटो हो, आप उनका भी अभिषेक कर सकते हैं, या फिर सुपारी से गणेश जी बना करके आप उनका भी अभिषेक कर सकते हैं। जल से अभिषेक करें, पंचामृत अष्टगंध से अभिषेक करें, फिर शुद्ध जल से स्नान करा के स्वच्छ कपड़े से उन्हें पोंछ करके वस्त्र आदि का भाव करके वस्त्र धारण कराएं, जनेऊ धारण कराएं, उनको आप चंदन का, कुमकुम का तिलक लगाइए, अक्षत चढ़ाइए, पुष्पों से उनका श्रृंगार कीजिए और दुर्बा घास ज़रूर चढ़ानी है। 21 दुर्बा की गांठ हो तो 21 दुर्बा की गांठ बनाकर उनके मस्तक पर चढ़ाना चाहिए, और इसके बाद आप इस प्रकार से गणेश जी का ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः बोलते हुए सारा पूजन कीजिए और फिर आप शिवलिंग का पूजन शुरू करना चाहिए। इस दिन ध्यान रखना है शिवलिंग पर भी इसी प्रकार से, हमेशा जैसे जल अभिषेक करते पंचामृत अभिषेक करिए, दूध दही घी चीनी शहद आदि से। इसके बाद शुद्ध जल अष्टगंध से स्नान आदि करा के भोले बाबा को वस्त्र का भाव करके वस्त्र दीजिए, आप उनको जनेऊ चढ़ाइए, चंदन से त्रिपुंड बनाइए, भस्म चढ़ाइए और बिलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिख करके चढ़ाइए। इस प्रकार से भांग धतूरा आंकड़े का पुष्प आदि, जो जो शमी का पत्ता आदि आपके पास अवेलेबल हो वो चढ़ाना चाहिए। और सावन का तीसरा सोमवार है, वहीं बैठ करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय लिंगाष्टक का पाठ कीजिए, शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ कीजिए, शिव चालीसा का पाठ कीजिए, शिव पुराण का पाठ कीजिए, आप चाहे तो रामचरितमानस का भी पाठ कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। धूप दीप अवश्य करें और लास्ट में आपको शिव जी को शिवा मुट्ठी अवश्य चढ़ानी चाहिए। आपको हर सोमवार को बताती हूँ कि हर सोमवार को श्रावण में शिवा मुट्ठी अवश्य चढ़ाई जाती है। पूजा पूरी होने के बाद लास्ट में एक मुट्ठी, आप जैसे पहले सोमवार को चावल लेते हैं, दूसरे को सफ़ेद तिल लेते हैं, तीसरे में आप खड़ी मूंग जो होते हैं साबुत मूंग ग्रीन वाले वो लेने हैं एक मुट्ठी, और फिर उसे दोनों हाथों से ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर देना है। इस दिन आपको 3 प्रहर का व्रत रखा जाता है। श्रावण सोमवार को आप सुबह से लेकर के शाम को प्रदोष काल तक पूजन करने तक व्रत रखना चाहिए। इसके बाद आप फलाहार कर सकते हैं, एक वक्त आप सात्विक भोजन कर सकते हैं बिना प्याज लहसुन का आदि का,
और दिन में भी आप चाहें तो तरबूज, खीरा, आम, फलाहार ले सकते हैं। आप चाहें तो दो वक्त फलाहार लीजिए, खरबूजा, केला, अनार खा सकते हैं। भुने हुए मखाने हैं, दूध, दही, मूंगफली, पनीर, साबूदाने की खिचड़ी, कुट्टू के आटे की पूरियां आदि, आलू की सब्जी आदि खाइए। दोस्तों सावन का महीना चल रहा है, हर तरफ ओम नमः शिवाय की धूम है और कई बार मंदिर, यूजुअली तो सभी लोग मंदिर जाते हैं, लेकिन वैसे भी कहीं ना कहीं कोरोना थोड़ा काल अभी भी अपना मुख पसारे हुए है, तो सावधानी पूर्वक जाएं। कहीं कहीं पर शिव मंदिर अवेलेबल नहीं है, जो अब्रॉड आदि में रहते हैं वहाँ पर भी नहीं है, तो इस तरह से गांव आदि में रहते हैं, कहीं दूर दूर आपको दर्शन हेतु नहीं जा रहे हैं, तो तीसरे सोमवार को पार्थिव शिवलिंग पूजा का विधान आता है। पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव पूजन करना विशेष पुण्यदायक होता है और विशेष महत्व भी इसका बताया गया है। कोटि कोटि यज्ञों का फल देने वाली कही गई है और कलयुग में पार्थिव शिवलिंग की पूजा ही सर्वोपरि बताई गई है। कृते रत्नमयम लिंगम त्रेतायाम हेम संभवम द्वापरे पारदम श्रेष्ठम पार्थिवम तु कलौ युगे। शिव पुराण का श्लोक है, बहुत ही खूबसूरत है और कहा गया है कि शिवलिंग का निर्माण, जो भी मनुष्य पार्थिव शिवलिंग का निर्माण एक बार करके उसकी पूजा कर लेता है जीवन में, वो 10,000 कल्प तक स्वर्ग में निवास करता है। शिवलिंग के अर्चन से मनुष्य को प्रजा हुआ, धन हुआ, भूमि हुआ, विद्या हुआ, संतान हुआ, बांधव बंधु हुए, परिवार का सुख हुआ, श्रेष्ठता हुआ, शांति हुआ, ज्ञान हो, मुक्ति हो, मोक्ष हो, सब कुछ प्राप्त होता है। और जो भी मनुष्य पार्थिव शिवलिंग की पूजा शिव शिव शब्द का उच्चारण करते हुए कर लेता है, वो करोड़ों जन्मों तक के संचित पापों से छूटकर मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जो भी मनुष्य प्रतिदिन तीनों समय पार्थिव लिंग का निर्माण करके बेलपत्रों से उसका पूजन करता है, वो अपनी 111 पीढ़ियों तक का उद्धार करके स्वर्गलोक को प्राप्त कर जाता है। त्रिसंध्यम योच्च ये लिंगम कृत्वा बिल्वेन पार्थिवम शते एकादश इकम यावत कुलम उद्धृत्य नाक भाग। यानी तीनों समय पार्थिव लिंग का निर्माण करके बिलपत्रों से पूजन करने वाला 111 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। दोस्तों पार्थिव प्रतिमा का पूजन, पार्थिव शिवलिंग का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है। आपके अगर कोई बहुत भयंकर दुख है तो इस बार सावन के तीसरे सोमवार को आप पार्थिव शिवलिंग की बना करके उसका पूजन कीजिए। आप देखिए आपके सभी दुख का तत्काल निवारण हो जाएगा। पार्थिव प्रतिमा पूजा विधानम ब्रह्मी सत्तम येन पूजा विधानेन सर्व अभिष्टम व्याप्तते। इससे अकाल मृत्यु का भी भय समाप्त होता है और 10,000 कल्प तक मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है। दोस्तों धन धान्य हो, आरोग्य हो, संतान हो, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और इसके पूजन से सभी कुछ मनुष्य को जीवन में प्राप्त होता है। पर ध्यान रखना चाहिए किसी भी पवित्र स्थान पर बैठ करके पार्थिव शिवलिंग, ऐसा नहीं कि कहीं भी बैठा पार्थिव शिवलिंग बनाया और पूजन शुरू, साफ सुथरा कर लीजिए। चाहे आप मिट्टी में, धरती में, जंगल में ही बैठ के करें, पर उस स्थान को थोड़ा स्वच्छ कर लीजिए, साफ कर लीजिए और पूरब या उत्तर की ओर मुख करके कुशा या ऊन के आसन पर बैठ करके आपको, या रेशमी आसन पर बैठ करके सर्वप्रथम गणेश जी का आप आचमन स्मरण करके आचमन कीजिए और इसके बाद प्राणायाम करके आपको पूजा शुरू करनी चाहिए। सिर पर आपको भस्म का त्रिपुंड हो सके तो लगाना चाहिए और नहीं तो कम से कम चंदन का तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, रुद्राक्ष की माला सिद्धि की हुई धारण करनी चाहिए और शुद्ध की हुई मिट्टी को, मिट्टी से आप अभिमंत्रित करके आप पहले मिट्टी को शुद्ध करें, इसके बाद ही शिवलिंग बनाना प्रारंभ करें। वैसे तो मुख्य तौर पर मिट्टी से ही बनाया जाता है पार्थिव शिवलिंग, पर इसमें दूसरे पदार्थ भी डालने चाहिए मजबूती और शुद्धता के लिए। और इसको बनाने के लिए आपको कैसे लाना है, एक पवित्र, कोई भी पवित्र नदी हो, कोई भी झरना हो, कोई भी जगह हो जहाँ साफ सुथरा जल हो, वहाँ से एक मुट्ठी आपको मिट्टी लेनी चाहिए और फिर सबसे पहले इसका शोधन करना है, यानी इसको शुद्ध करना है। तो दूध और गंगा जल मिला करके इसको शुद्ध कीजिए। कहीं कहीं पर इसको अगर गंगा जल आदि नहीं है तो थोड़े से फूल और चंदन डाल करके भी आप इसका शोधन कर सकते हैं। इसके बाद शोधन करने के बाद, शोधन करते वक्त आपको क्या बोलना चाहिए, ओम ह्रीम मृतिकाय नमः, ओम ह्रीम मृतिकाय नमः। इसके बाद वम मंत्र का उच्चारण करना है, क्या बोलना है, वम वम, इस प्रकार से ओम वाम देवाय नमः,
इस प्रकार से ओम हराय नमः, ओम मृडाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, इस प्रकार से बोलते हुए आप बाकी की चीज़ें उसमें डालिए। क्या क्या डालेंगे आप? थोड़ा सा गाय का गोबर डालिए। देखिए गाय का गोबर डालने से ज़्यादा गीला हो सकता है, तो क्या करना चाहिए, जो गोबर के कंडे होते हैं सूखे हुए उसको चूरा बना लीजिए, उसको आपको थोड़ा सा डालना चाहिए, और थोड़ी से गुड़ का चूरा कर लीजिए वो डालिए, थोड़ा मक्खन ले लीजिए, घर का ताज़ा मक्खन होना चाहिए, अमूल बटर नहीं डालना है, नमकीन होता है, और चौथाई मुट्ठी भर आपको भस्म लेनी है। भस्म आपको किसी भी मंदिर प्रांगण से मिल जाती है, वहाँ से ला सकते हैं, और छोटी कटोरी का चौथाई हिस्से के बराबर घिसा हुआ चंदन उसमें थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए, और 3-4 बूंद शहद और थोड़ा सा गंगा जल, जितनी ज़रूरत हो उतना गंगा जल मिलाइए, और फिर शिव जी के बीज मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप उसे शिवलिंग का आकार दे दीजिए। दोस्तों इस प्रकार से शिवलिंग का जब बन जाए, माता पार्वती, गणेश, कार्तिक, एकादश, रुद्र, शिव जी के गण आप सभी का निर्माण कर सकते हैं, और फिर पीतल हुआ, तांबा हुआ, चांदी की थाली में आप इनको स्थापित कर सकते हैं। अगर नहीं है तो बेलपत्र या केले के पत्ते पर ओम शूल पाण्डेयी नमः, क्या बोलेंगे, ओम शूल पाण्डेयी नमः, इस प्रकार से बोलते हुए स्थापित करना चाहिए। इसके बाद उनका पूजन करें। आप चाहें तो उनको, अच्छा एक बात का ध्यान रखें, आप शिवलिंग बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखना है आपको कि 12 अंगुल से ऊंचा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा ऊंचा होने पर शिवलिंग पुण्य नहीं मिलता, और शिवलिंग पर आपको पहले उनका आवाहन करना चाहिए भोलेनाथ का, ओम भूः पुरुषम सांब सदा शिवम आवयामी, ओम भुवः पुरुषम सांब सदा शिवम आवयामी, ओम स्वः पुरुषम सांब सदा शिवम आवयामी, इस प्रकार से बोलते हुए पहले भगवान का आवाहन करें, फिर शुद्ध जल, मधु, गाय का घी, शक्कर, अष्टगंध, रोली, चंदन आदि, जायफल, गुलाब जल, दही, इनसे एक एक करके स्नान कराइए और नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें। साथ ही साथ गणपति देव व विष्णु भगवान, नवग्रह, माता पार्वती आदि का भी आवाहन करना चाहिए, और सारी पूजा करते वक्त आप उनको कुछ भी चढ़ाइए, चंदन, जनेऊ, भस्म, अभ्रक, पुष्प, भांग, धतूरा, बिलपत्र, जो आपकी इच्छा हो, शमी के पत्र, उससे बाबा का श्रृंगार करें, फिर नैवेद्य अर्पण करें, और फिर वहीं बैठ करके शिव शक्ति के मंत्र का जप करें। ओम ह्रीम शिव शक्ति प्रसीद प्रसीद ह्रीम नमः, क्या बोलेंगे आप, ओम ह्रीम शिव शक्तिये प्रसीद प्रसीद ह्रीम नमः, इस प्रकार से जप करने के बाद अंत में कपूर की आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें और मनोकामना निवेदन करके अक्षत हाथ में ले लें, थोड़े से साबुत चावल हाथ में ले लीजिए, और विसर्जन जरूर करना चाहिए। विसर्जन कैसे करते, किसी भी पार्थिव शिवलिंग को किसी भी नदी हुआ, कुआं हुआ, तालाब हुआ, या किसी साफ सुथरी जगह पर पेड़ के नीचे खड्डा खोद करके ज़मीन में दबा सकते हैं, या फिर आप कहीं भी बहते जल में डाल सकते हैं, और विसर्जन करते हुए आपको बोलना चाहिए, गच्छ गच्छ सुर श्रेष्ठ स्वस्थानम गच्छ परमेश्वर, पूजा अर्चना काले पुनरागमनाय च, इस प्रकार से आप उनको बोल करके विदा कीजिए। दोस्तों पार्थिव शिवलिंग के समस्त शिव मंत्रों का जप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का जप करें, शिव पंचाक्षर स्तोत्र का जप करें, लिंगाष्टक स्तोत्र पढ़ें, आप तांडव, शिव तांडव स्तोत्र आदि का पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा, शिव पुराण आदि का पाठ कर सकते हैं, राम कथा सुन सकते हैं, और ध्यान रखना चाहिए पूजा कंप्लीट होने के बाद, वैसे तो किसी बैल को आपको चारा खिलाना चाहिए, लेकिन नंदी अवेलेबल ना हो तो किसी गौ माता को आप भोजन कराइए, गरीबों को भोजन कराएं, आप देखेंगे आपके घर में सुख समृद्धि तो आएगी ही आएगी, साथ ही आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। साथ ही साथ तीसरा सोमवार है, और जहां जहां पहला सोमवार है, सारी पूजा कंप्लीट करने के बाद शिवा मुट्ठी चढ़ाना ना भूलें, जहां पहला सोमवार है एक मुट्ठी चावल दोनों हाथों से, और जहां तीसरा सोमवार है वहां पर खड़े मूंग, ग्रीन मूंग हरे वाले, वो आपको दोनों हाथों से अर्पित करने हैं ओम नमः शिवाय का जप करते हुए। तो कर लीजिए ये उपाय दोस्तों, और ध्यान रखें पार्थिव शिवलिंग की पूजा तुरंत फल देने वाली होती है, कहते हैं तत्क्षण, उसी क्षण आपको फल प्राप्त हो जाता है, और जो भी स्त्रियां इस घर की स्त्रियां या पुरुष इस पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, उनके घर से कभी कोई विनाशकारी चीज़ उनके घर के आसपास फटक भी नहीं सकती, धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं, आरोग्य की प्राप्ति होती है, अच्छे संतान की प्राप्ति होती है, विशेष रूप से जो दंपत्ति
संतान नहीं है और आप बहुत सालों से चेष्टा करें एक बार मेरी बात मान करके ये सावन के तीसरे सोमवार को, जहाँ जहाँ सावन का पहला सोमवार है वो तीसरे सोमवार को ये कर सकते हैं, तो आप तीसरे सावन के तीसरे सोमवार को आप इस उपाय को कीजिए और देखिए आपको संतान प्राप्ति अवश्य होगी, साथ ही साथ अकाल मृत्यु का भय जीवन से खत्म हो जाता है। दोस्तों सभी लोग, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो या लड़कियां हो, कोई भी इस पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है पीरियड्स आदि में नहीं छूना है। तो सावन का तीसरा सोमवार है, कुछ करें ना करें, आप कोई पूजा पाठ करें या ना करें, चुपचाप भोलेनाथ के सामने बैठ जाइए और भोलेनाथ से कनेक्ट अवश्य करें। सिर्फ कुछ नहीं, उस निराकार परम ब्रह्म में समाने का मौसम है, सावन का महीना है, बारिशों का मौसम है, तो चुपचाप कहीं एकांत में थोड़ी देर भी सही बैठ करके, विशेष रूप से प्रदोष काल में या उसके बाद कभी भी थोड़ी देर बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और इसका जप करें और सच्चे दिल से बोलें, तू मुझ में शिव, मैं तुझ में शिव, मेरे रोम रोम में शिव, कण कण में शिव, हर 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 शिव, हर 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 शिव, बम 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 शिव, बम 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 शिव, बोलिए हर 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 महादेव शंभो। दोस्तों आपको बताया है तीसरा सोमवार, अपने फ्रेंड्स फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर भी ज़रूर कर लें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करें। इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।